the recordings. This is basically your fourth unit, right? We have completed till now the fifth unit, two chapters, and the third unit, two chapters we have done. We are left with only two chapters of the syllabus for your finals, for your boards of term two, that are of the biotechnology. Okay, biotechnology chapter number one, that is from unit number four, we have only two chapters, biotechnology ke dono chapters hain. Jo first chapter hai biotechnology ka, that deals with the principles and the processes. Means the biotechnology as a new technique which has been added to the bio world. ठीक है, तो उसमें ये जो principles, यानी कि on what principles it is working, and the processes, that is what the various you can say things which are involved in this this technology, or what are the different processes that will be involved in this particular technology under this field, that is for performing certain of the tasks. ठीक है, वो सारा जो है वो हमने यहाँ पे explain किया है. फर्स्ट चैप्टर से हमने रीड करना है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. अब जो तरीका लगा, जो प्रिंसिपल्स पे बेस हुआ, जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ, उस सब का रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ नए प्रोडक्ट्स, है ना, जो टेक्निक्स है हमने पढ़ी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई भी होंगी. ठीक है, तो वो हमारी बनाएगी सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस मीन्स wherever these processes and principles have been applied till now, what useful products, what in how you can say in what manners or how it has helped us for getting the new products biotechnologically. So that is a second chapter of this unit, that is biotechnology and its applications. theek hai, so both these chapters, they are interlinked. theek hai, ye dono chapters ek jaise hain, interlinked hain. तो ये हमें सिर्फ इसके प्रोसेस के बारे में समझाएगा. तो फर्स्ट हम लोग प्रोसेस के बारे में ही समझेंगे, व्हाट दिस बायोटेक्नोलॉजी इज एंड व्हाट द वेरियस टेक्निक्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इट, व्हाट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द फर्दर आई कैन से परफॉर्मिंग ऑफ दिस टेक्निक. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, व्हाट इज दिस बायोटेक्नोलॉजी. एज द नेम इज सेइंग बायो, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी मीन्स इट इज सम न्यू टेक्निक. ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निक व्हिच we can say that in this particular technology, the living organisms or certain isolated materials from those living organisms in the form of enzymes say, theek hai, to koi living organisms ko use karke ya unme se koi products nikal ke, yani unke koi chemicals ko nikal ke, enzymes ko use karke nave kuch products banaye jate hain taki wo livings ke hi helpful ho jaye. मतलब लिविंग्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें से हमने कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स लिए या कुछ उन्हीं को हमने आगे ट्रीट करवा दिया बायोटेक्नोलॉजिकली, उनका डीएनए ले लिया, डीएनए से जीन ले लिया. ठीक है, तो कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी थिंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स, दे आर प्रोसेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकली टू फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट्स, नवी चीजें बनाने के लिए. और वो जो नवी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, दैट इज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर दे आर देयर. ठीक है, सो दैट इज अ टेक्निक कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी. डन, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली हमारे लिए एक न्यू फील्ड क्रिएट हुआ है, एक नवा जनरेट हुआ है एज इन द फील्ड ऑफ द बायो. दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इट्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ये सारा क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज बिकॉज ऑफ द टू टेक्निक्स विच हैव एनहांस्ड इट्स यू कैन से यूजेज इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. दैट इज फर्स्ट कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जिसमें जेनेटिक, एज द नेम इज सेइंग, जेनेटिक मीन्स डीएनए और द आरएनए जेनेटिक लेवल, है ना. इंजीनियरिंग मीन्स, इंजीनियरिंग में क्या होता है, दैट इज टू कट समथिंग, टू जॉइन समथिंग एल्स, है ना, कुछ ऐसा, तो दैट इज इंजीनियरिंग. सो यहाँ पे हमने इंजीनियरिंग किसके ऊपर करी है? डीएनए और आरएनए के ऊपर, यानी कि हमारे जेनेटिक मटीरियल के ऊपर. तो डीएनए को इस तरह से प्रोसेस किया कि वो एक नया कुछ कंपोनेंट अगर हमारे लिए क्रिएट कर सके, डीएनए के ऊपर हमने कुछ ना कुछ टेक्निक्स अवेलेबल करवाई, तो दैट हैज लेड टू द यू कैन से अपडेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने भी इन्हांस किया इस टेक्नोलॉजी को. सेकेंडली, देयर वॉज अ टेक्नोलॉजी दैट फॉर यूजिंग द स्टरलाइज्ड कंडीशंस. ठीक है, मेंटेनिंग द स्टरलाइज्ड कंडीशन. स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइज्ड कंडीशन मेंटेनेंस. सेकेंड इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेरलाइज्ड कंडीशंस. स्टेरलाइज्ड का मतलब क्या है? दैट इज 100% माइक्रोब फ्री. ठीक है, हम इस तरह से स्टेरलाइज्ड कंडीशंस को मेंटेन कर पाए,
100% माइक्रोब फ्री कर पाए, ताकि हम सिर्फ उसी एक बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर फोकस कर सके या सिर्फ उसी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग फोकस कर सके जो हमें रिक्वायर्ड था. नो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन हिंडर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब कोई भी और ऑर्गेनिज्म इसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट नहीं कर पाया, ना कर पाएगा. तो वो पॉसिबल जब हो गया, जब ऐसे होता क्या एक्चुअली कि हम लोगों ने कोई कल्चर लगाया लेट्स से, ठीक है, अगर आप सिंपल आप लोग अपनी स्किन के टिश्यू को भी रिमूव कर लेते हो थोड़ा सा एंड यू कीप इट एज सच, है ना, इन द ओपन एनवायरमेंट, डेफिनेटली दिस इज अ लिविंग टिश्यू, इट हैज अ न्यूट्रिएंट्स इन इट, इट विल बी अटैक्ड बाय टू मेनी ऑफ द माइक्रोब्स, है ना. वुंड्स जब हो जाती है, इंजरी हो जाती है, ओपन टिश्यू हो जाता है, टिश्यू के अंदर माइक्रोब्स जो है उसका एंट्री का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है ना. तो कोई भी टिश्यू अगर अवेलेबल है, लिविंग मास अगर अवेलेबल है, मास ऑफ द सेल्स अवेलेबल है, तो अगर कुछ भी प्रेजेंट है लिविंग सेल्स की फॉर्म में, तो वो 100% अटैक होगा माइक्रोबियल एक्शन से. लेकिन क्योंकि हम बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, यानी जो लोग इस टेक्निक्स के साथ मतलब जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये 100% स्टेराइल कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए वो काबिल हो गए, उन्होंने प्रॉपरली ये बना पाए, उन्होंने ये बना पाई, कंडीशन सारी मेंटेन करने लायक बने, तो हेंस दे अप्रूव्ड कि नाउ वी कैन वर्क ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना. अब कोई और माइक्रोबियल एक्शन नहीं होगा, अब कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर अटैक नहीं करने वाला. तो जो हम लोग चाहते हैं, जिस मटीरियल के ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, वो हम इजिली बना सकते हैं, ठीक है. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जब हमने जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस कर दिया. अच्छा, अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जेनेटिक मटेरियल के ऊपर चेंजेस कर रहे हैं, डीएनए के ऊपर चेंजेस कर दिए, तो क्या उसके फिनोटाइप्स के ऊपर भी चेंज आएगा? आप लोगों को हमने चैप्टर ये किया है, हम लोगों ने दैट इज ऑफ दिस जेनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उस चैप्टर में आपको क्रॉसेस करवाए थे, तभी मैंने आपको फिनोटाइप जीनोटाइप ये सब करवाया था, है ना. तो जीनोटाइप, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जीनोटाइप. जीनोटाइप अगर चेंज कर दिया गया, तो ऑब्वियसली फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा. जो उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पहले थे, ऑल्टर्ड डीएनए के साथ ऑल्टर्ड वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आएंगे, फिनोटाइप आएगा, ठीक है. सो दिस इज बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, द चेंजेस आर मेड ऑन द डीएनए और द जेनेटिक मटीरियल एंड ऑल्सो द चेंजेस आर सीन फिटोटिपिकली, ठीक है. And second technique which enhanced the use of this technology in the modern world, that was the maintenance of the 100% sterile conditions. Okay, means no microbe could now attack the living material. We can simply take the living material as a source or as a product, whatever you want. उसको हम लोग simply क्या है process कर सकते हैं, easily process कर सकते हैं without the attack of any other living organisms. Okay. How it is used now, how it is done, what are the various steps you can say. There are three basic steps for basically undergoing this particular technology, that is a biotechnology. Teen basic steps hain. Sabse pehla kya hai? Jab bhi humne treat karna hai, 100% sterilized conditions to maintain hongi. This is suppose, agar hum log humara koi special lab hai, there is also might be a study classes that about the micropropagation. tenth में reproduction chapter में micropropagation एक technique करवाया जाता है आपको, that is called as a plant tissue culture, है ना. जब मैं उसमें से 100% sterile condition का concern दे रही, तो plant tissue culture जब मैंने करवाया था आपको, मैंने आपको बताया था कि 100% sterile condition जो है वो maintain करी जाती है. special labs होती हैं जहाँ हमें plants के tissues के cultures बनाने हैं या plant के tissues process करना है आगे, है ना. वहां पे तो माइक्रो प्रोपेगेशन में तो ऐसा नहीं था कि हम कुछ नया बना सकते हैं, ऐसा नहीं था. उसी की थाउजेंड वाइस बहुत रफ आ रही है जी, अब तो वाइस बहुत रफ आ रही है. सो दिस इज आई वाज टेलिंग यू कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, वहां पे हमारे लिए एक स्पेशल लैब्स जो है वो बनाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर लैब्स, ठीक है. वो स्पेशल लैब्स होती हैं और वो इस तरह से प्रोटेक्टेड काइंड्स ऑफ लैब्स होती हैं कि मतलब प्रॉपरली सील्ड काइंड्स ऑफ लैब होती हैं. यू कांट इवन हैव द यू कैन से वेयरिंग ऑफ योर शूज टू गेट इन योर लैब्स, ठीक है. वेयरिंग ऑफ द शूज और वेयरिंग ऑफ सम एक्सेसरीज लाइक बैंगल्स और द रिंग्स ऑन योर हैंड्स एंड एवरीथिंग, दैट इज यू नीड टू बी 100% स्टेरलाइज योर हैंड्स. जिन्होंने काम करना है
वो 100% स्टरलाइज होने चाहिए। आगे उन लैब्स के जो कंपार्टमेंट्स हैं वो भी आगे फर्दर क्या है कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो प्रॉपर स्टरलाइज्ड हो, मतलब 100% माइक्रोबियल फ्री कंडीशंस जो हैं उनके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ प्लांट टिश्यू कल्चर लैब। ठीक है, सिमिलर मैनर में ये लैब्स के अंदर स्टरलाइज कंडीशन मेंटेन की जाती है। ठीक है, प्रोसेसिंग तो डीएनए के साथ होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग जो है वो तो हमारी होनी है डीएनए मटीरियल के साथ, यानी कि जेनेटिक मटीरियल। लेकिन ये वाली कंडीशंस प्रोड्यूस की जाती है, क्रिएट की जाती है विद इन द लैब। ठीक है, सो दैट इज द स्टरलाइज कंडीशन दैट बी प्रोड्यूस्ड। सो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि जो बेसिक स्टेप्स क्या हैं हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट विच नीड टू बी यू कैन से टेकिंग प्लेस हियर, जो स्टेप्स हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखने होते हैं या जो स्टेप्स हम लोगों ने लेने हैं फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस और फॉर क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, हमें अपने डीएनए के ऊपर डिजायरेबल जीन को लोकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है। कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मैंने ये एग्जांपल वैसे लास्ट चैप्टर में भी लिया था, दैट ऑफ द बीटी कॉटन इन द ह्यूमन सॉरी माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, उस चैप्टर में भी आपको ये करवाया था। इफ यू हैव अटेंडेड, इफ यू हैव नॉट देन प्लीज लिसन टू दिस। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको इजीली सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बीटी कॉटन। ओके, इनिशियली अ नॉर्मल कॉटन प्लांट वॉज बीन ग्रोन राइट बाय द फार्मर्स। द कॉटन प्लांट, नॉर्मल कॉटन प्लांट दैट वॉज, ये आप पूरा फुल फ्लेज डिटेल्स पढ़ेंगे इन द सेकेंड चैप्टर एप्लीकेशन में। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा मैं आपको रफ इसका थोड़ा सा बता देती हूँ व्यू क्या है। नॉर्मल कॉटन प्लांट्स ग्रो करे जा रहे थे फील्ड्स में, फार्मर्स ग्रो करते थे नॉर्मल कॉटन प्लांट्स को। ठीक है, होता क्या था कि इनके जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं ना, लाइक जो इनके फ्लावर्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, वो इस तरह से फ्लोरल फॉर्म में ऐसे, मतलब एक फ्लावर स्ट्रक्चर्स में इनके फाइबर जो है वो अराइज होते हैं। हमने देखा होगा कॉटन का शायद पूरा प्लांट जो है ना, तो ये जो इसका फ्लावर है दैट इज इन्वेडेड बाय, होल्स हो जाते थे इसके अंदर और बॉलवर्म्स इनके अंदर इन्वेड कर जाते थे। ठीक है, बिफोर दे कुड फ्लावर आउट और दे आर हैविंग द प्रोड्यूस दीज फाइबर्स फुली, फुल लेंथ फाइबर्स, इससे पहले ये बना पाए, ये जो बॉलवर्म्स होते थे ना, ये क्या करते थे, अंदर जाके इसके फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देते थे, कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज करते थे जिनसे इनके फाइबर्स डाइजेस्ट हो जाते, मतलब हमारे पास फुल लेंथ फाइबर्स कभी प्रोड्यूस ही नहीं हो पाए, देयर वर वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द फाइबर्स विच कैन बी प्रोड्यूस। दिस वॉज अ कंडीशन ऑफ द नॉर्मल कॉटन प्लांट। ठीक है, नाउ द फार्मर्स दे वर फेड अप ऑफ ऑल दिस कंडीशंस, क्योंकि बॉलवर्म्स खत्म नहीं हो पा रहे हैं, बॉलवर्म्स के ऊपर कुछ रिएक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए, कैसे हमारे फाइबर्स की प्रोडक्शन यील्ड को बढ़ाया जाए। तो साइंटिफिकली और यू कैन से बायोटेक्नोलॉजिकली द साइंटिस्ट दे वर्कड ऑन द कॉटन प्लांट। ठीक है, उन्होंने देखा वो वाला जीन जो केमिकल्स सिक्रेटेड बाय बॉलवर्म उसको ससेप्ट हो रहा है, मतलब उसका एक्शन ले पा रहा है। ठीक है, एक तो कॉटन के अंदर डीएनए, ठीक है, उसका डीएनए के ऊपर वो वाला जीन जो कि ससेप्टेबल है टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द बॉलवर्म्स केमिकल्स। ठीक है, अब वो जीन लोकेट हो गया, आइडेंटिफाई किया, इन्होंने क्या किया, उस जीन को आइसोलेट करके रिप्लेस करने की सोची। पर अब रिप्लेस किससे करेंगे, करेक्टर वही आना चाहिए, पर बजाय बींग ससेप्टेबल ये रेजिस्टिव होना चाहिए था। ठीक है, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ढूंढा गया, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को स्टडी किया गया, एक लॉन्ग टर्म हमें इम्पैक्ट डालना था, अपने कॉटन प्लांट्स को बचाना था। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डीएनए को स्टडी करना शुरू किया। फाइनली दे कुड ट्रैक वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, इट इज बेसिलस थुरिंजेंसिस। ये बी टी उसी से आया है, ये जेनरा नेम का बी, स्पीशी नेम का टी। ठीक है, तो बीटी दैट इज बेसिलस थुरिंजेंसिस में से एक जीन लोकेट हो गया हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ससेप्टेबल इट इज नाउ रेजिस्टिव टू व्हाटसोएवर द केमिकल्स आर बीइंग सेक्रेटेड बाय द वॉलवर्म्स। ठीक है, तो आसान हो गया, क्या किया, कॉटन के डीएनए में से वो वाला जीन रिमूव करने का और प्लस बीटी कॉटन में से दूसरा जीन एड करने का प्रोसेस चलाया। ठीक है, फाइनली दे कैन मेक वन डीएनए that was now not been you can say susceptible to the action of bollworms, it was now resistive to the action of the bollworms. bollworms har bar ki tarah aaye, chemical secrete hue, lekin unke fibers ke upar koi farak nahi pada. theek hai, so this is what, this is whole the process what has been applied
By this process, जो हमने biotechnologically जो सीखा वो in the form of BT cotton apply हुआ और जब भी crop of cotton grow करी जा रही है तो वो yield जो है वो अच्छा दे रही है. So this is a processed, biotechnologically processed type of the variety of the cotton. ठीक है, अब इसमें जो basic steps क्या क्या लिए, सबसे पहला क्या था, that is the identification of the DNA. तो इसमें यही दिया ना कि पहले तो identification करो DNA के उस segments का जो हमें चाहिए. ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डीएनए विद डिजायर राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन या डिजायर्ड जीन. ठीक है, अब इसके बाद जब डिजायर्ड जीन दोनों में से मिल गई, एक होस्ट एक फॉरेन डीएनए, होस्ट ये वाला और फॉरेन डीएनए ये वाला. ठीक है, तो फॉरेन डीएनए का जो जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा. मींस दैट इज द सेकंड स्टेप व्हिच इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन. ये जो डिजायर्ड जीन है इसको इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है, यहाँ डिजायर्ड जीन जो है डिजायरेबल सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर अब ये डाल दिया जाएगा. पर होस्ट के अंदर डाल देना सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद इसको मेंटेन भी करवा के रखना पड़ेगा. जो इंट्रोड्यूस डीएनए किया है होस्ट के अंदर जो चेंजेस लाए हैं वो कुछ समय के लिए मतलब आपको पहले तो सेव रखनी पड़ती है, उसके बाद इसकी न्यू प्रोजेनिस जो है वो सेफली बनती रहे उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस इज मेंटेनेंस ऑफ द maintaining or maintenance of the desired change जो आपने किया desirable DNA जो भी host में डाल दिया तो उसको maintain करके रखना है. maintenance of the desirable gene into host and also creating its progenies. यानी कि अब इसको जो आगे फर्दर इसकी जो क्या कहते हैं जेनरेशन है वो डेवलप हो पाए. सो दिस इज मेंटेनेंस ऑफ द डिजायरेबल जीन इन द होस्ट एंड ऑब्टेनिंग प्रोजेनी डाल दिया और उसकी जो प्रोजेनी है सक्सेसफुल प्रोजेनी जो है वो भी बनाए जाए, बहुत आगे आगे जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करी जाए. Then only we will say our biotechnological experiment has been successful. The biotechnological product which we have obtained. अब यहाँ पे आपको biotechnology की definition भी अच्छे से clearly समझ आएगी. जब हमने बोला कि जो living organism है उसी को treat करवाया, living organism से ही हमने कोई source create किया और living organism का ही हमने कोई product generate किया, है ना? तो ये क्या है biotechnology? मतलब we have used the livings to treat the livings, that is why. Okay, तो जो नए products वगैरह synthesized होंगे, they are all being formed just by the you can say further processing made through the biotechnology. So these are the basic steps that which will be involved. And for these steps only we need to know about the different tools. कह तो दिया हमने बड़े आसानी से कि DNA को identify करो, उस desired gene को, फिर उसके बाद इसको इंट्रोडक्शन करके मैंने बोला कि वो ससेप्टेबल जीन निकाल दिया और रेजिस्टिव डाल दिया, इतना आसान नहीं है, है ना? सो इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड इन बिटवीन फॉर हैविंग दिस पर्टिकुलर फुल फ्लेज्ड टेक्नोलॉजी टू बी सक्सेसफुल, राइट? सो व्हाट आर द वेरियस टूल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस बायोटेक्नोलॉजी? यहाँ पे कोई डाउट है बेटा किसी को? यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी. हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? Clear? No confusions? All set? Okay. So now write the further heading, that is what are various tools for the recombinant DNA technology. क्योंकि हम यहाँ पे DNA को recombine कर रहे हैं ना, DNA की हमने recombinations के बारे में बात की. We call this recombinant DNA technology. Tools for recombinant in short we can write it as
आर स्मॉल डीएनए कैपिटल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. What are the various tools which are used for making these experiments on biotechnology successful? So the tools which are involved for making the recombinant technology for this RDT technology, they involve number of the enzymes are there, ठीक है? The ones which act as a molecular sieves, molecular glues, मतलब कुछ तोड़ने के लिए, कुछ काटने के लिए और कुछ रुकने के लिए. Again, there are number of the devices which will be used in between. Okay. Also, there will be you can say the host organism, the foreign organism from which we have to just collect and impart the particular required. So these are all involved as the tools. बहुत सारी चीजें हैं जो तो use होंगी. So vectors are also one of those. Vectors क्या होते हैं? These are the kind of the vehicles. Vehicles मतलब जैसे मैंने बोला ना अभी आपको बीटी कॉटन की एग्जांपल में कि बेसिलस थुरिनजेनेसिस में से एक जीन लिया और कॉटन के प्लांट के अंदर डाल दिया. ठीक है. सो इट कैन बी विद द वेक्टर टेक्निक्स और वेक्टरलेस टेक्निक्स. वेक्टर्स आर द व्हीकल्स. जैसे प्लाज्मिड होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल होता है प्लाज्मिड. ये जो डीएनए पार्ट है वो प्लाज्मिड के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा और ये सेल अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू द होस्ट सेल. वहां जाके होस्ट की मशीनरी के साथ ये प्लाज्मिड भी जो है वो डिवाइड करता है. होस्ट की मशीनरी ने डिवाइड करने ना सेल्स के डीएनए को, तो प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा और जब वो डिवाइड करेगा तो उसका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो होस्ट के अंदर रह जाता है. ठीक है. वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है. जहां से डिलीट हुआ था जीन वहां पे जाके अटैच हो जाएगा एंड हेंस वी विल गेट अ न्यू वन. सो ये या तो उन व्हीकल्स के साथ भी किया जा सकता है या बिना व्हीकल्स के. वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में. तो किस तरह से एक डीएनए निकाला, एक डीएनए का पार्ट निकाला और दूसरे में से डाल दिया हमने, कैसे आइडेंटिफाई किया, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल्सो, दैट विल बी ऑल्सो लर्न्ड थ्रू आउट दिस चैप्टर. ओके. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टूल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एंजाइम्स कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, as the name is saying, restriction enzymes, these are the special enzymes which have their functioning as restricted. theek hai, ye restricted functioning ke sath kaam karte hain enzymes. basically they come under the category of the these restriction have this particular type of the enzyme which commonly we call it as the nucleases. theek hai, to nucleases ek tarah ke hamare paas enzymes hai jo ki आपको पता है एजेस वाले सारे एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, जिनमें सफिक्स लगा होता है एजेस प्लस आल्सो न्यूक्लिएजेस एज द नेम इज सेइंग. सो दिस इज इफेक्टिव ओवर द न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए. डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज टू डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिएजेस जो है उनका एक्शन होता है न्यूक्लिक एसिड्स पे. अब न्यूक्लिक एसिड तो लॉन्ग लेंथ है, डीएनए आरएनए के तो बड़े बड़े हैं. ठीक है, उनमें जो एक्शन क्रिएट किया जाता है विद इन द लेंथ, मतलब बीच में कहीं इंटरमीडिएट लेंथ के बीच में कहीं पे भी आपको अगर एक्शन करना है, तो यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियसेस होते हैं. वन विच वर्क विद इन द न्यूक्लियर लेंथ, ठीक है, बीच में, नॉट एट द टर्मिनल एंड्स. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड एज अ एंडो न्यूक्लियसेस एंड द वंस विच वर्क एट द एंड्स दे आर कॉल्ड एज एक्सो न्यूक्लियसेस. ठीक है, एंडो वो जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की पूरी लेंथ में कहीं पे भी आपको अगर कटिंग करवानी है तो वो एंडो न्यूक्लियस, लेकिन अगर टर्मिनल एंड्स पे करवानी है तो वो एक्सो न्यूक्लियस. वन ऑफ दीज काइंड्स दैट आर कॉल्ड एज अ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स. ठीक है, वन ऑफ दीज आर कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स. एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है, इनमें से एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. अब यहाँ नाम डाल दिया हमने रिस्ट्रिक्शन. अभी मैंने क्या बोला था कि एंडोन्यूक्लियसेस वो जो कहीं पे भी एक्शन करेंगे लेकिन लेंथ में, बीच में, लेकिन जब भी वो स्पेसिफिक साइट्स पे एक्शन करते हैं तब हम उनको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये वाले हैं जो कि स्पेसिफिक साइट्स पे ही सिर्फ अपना एक्शन क्रिएट करते हैं, कटिंग का एक्शन है इनका.
कट करना है, ठीक है, कौन सी साइट्स पे करना है, स्पेसिफिक साइट्स पे एक्शन है इनका टू कट द डीएनए. न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियेजेस करते क्या है, कटिंग करते हैं, ठीक है. सो दीज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है, इनको मॉलिक्यूलर सीजर का भी नाम मिला है. दैट इज क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बीच में कटिंग का हेल्प करते हैं, बट एट द स्पेसिफिक साइट्स. व्हाट आर दीज स्पेसिफिक साइट्स कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक साइट्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक साइट्स, राइट. Your time is also getting over. So we will be continuing from here. What are the palindromic sites and how do they create the action in the next period? Any doubt if you have? Yes.